हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप हम लोग फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन का नंबर टू पढ़ेंगे। हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म पढ़ लिया था, अब जो नंबर टू है वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ आपके दो स्पीसीज हैं, यहाँ भी दो स्पीसीज हैं, क्योंकि बायोटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट स्पीसीज जो होगा और वो क्या करेगा कि होस्ट मीन्स एक स्पीसीज आपका होस्ट होगा, पहले ये समझिए, दो स्पीसीज में, और एक स्पीसीज आपका क्या होगा, रिसिपिएंट होगा, ठीक है। एक डोनर होगा, एक रिसिपिएंट होगा, मीन्स कि जो इसमें से कोई एक स्पीसीज किसी एक स्पीसीज को अपने बेनिफिट के लिए हार्म पहुंचाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बेनिफिट नहीं पहुंचाएंगे, इस बातों का किसमें खासा ख्याल रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में लिख दिया कि फर्स्ट स्पीसीज जो है आपका वो होस्ट हार्म्ड है, ठीक है, ये आपका होस्ट को इसने हार्म पहुंचाया, मतलब ये हार्म्ड होस्ट है जिसको सेकेंड स्पीसीज ने हार्म पहुंचाया अपने बेनिफिट के लिए। सेकेंड स्पीसीज क्या है, पैरासाइट गेट रेडीमेड फूड। जो पैरासाइट का मतलब क्या है कि वैसे जो खुद खाना नहीं बनाते है, दूसरे के बॉडी से, क्योंकि होस्ट के बॉडी से वो अपने लिए न्यूट्रिशन मीन्स अपने लिए फूड को लेते हैं, ठीक है। हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं, तो हम लोग किसी दूसरे के बॉडी में रह करके और उससे नहीं लेते हैं, ठीक है ना, उस पर क्या कहते हैं, उस पर अटैक करके, ठीक है। लेकिन ये पैरासिटिक है वो ऐसा ही करते हैं। तो जो पैरासिटिक जो सेकेंड स्पीसीज आपका इसमें है वो रेडीमेड फूड वो उनको मिलता है अपने होस्ट से, ठीक। अब देखिए पैरासाइट आपके जो है तो दो तरह के होते हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीजों को, ठीक है। एक आपका इंडो पैरासाइट, एक आपका इक्टो पैरासाइट। अब नाम से ही आपको कंफर्म है कि एक इंडो मीन्स क्या अंदर और इक्टो का मीन्स आपका क्या बाहर, ठीक। एग्जाम्पल लीजिए आप, पहले हम इंडो पैरासाइट की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए आप, पहला है आपका टेपवॉर्म, ठीक है। इसके होस्ट कौन है, मैन है और पिग है। टेपवॉर्म होस्ट मैन और पिग, ठीक। लिवर फ्लूक, इसके होस्ट कौन है आपका, मैन और स्नेल और फिश, ठीक। प्लाज्मोडियम, इसके होस्ट कौन है, मैन और फीमेल एनोफिलस। अब देखिए फीमेल एनोफिलस के बारे में मैं आगे बताऊंगा। फीमेल एनोफिलस खुद जो है सो एक क्या कह सकते हैं आप कि मीन्स कहीं से वो अपने लिए फूड को कलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो खुद किसी के लिए पैरासाइट बने हुए, किसके लिए, वो प्लाज्मोडियम के लिए बने हुए हैं, ठीक है। और नंबर फोर आपका एस्केरिस, जिसको हम लोग देसी भाषा में जो पेट में क्या कहते हैं, जोक बोलते हैं, ठीक है। उसका होस्ट कौन है आपका, मैन है, ठीक। अब एडेप्ट, जब वो अब चूंकि इंडो पैरासाइट है तो वो होस्ट के शरीर के अंदर में रह करके है ना, या फिर बाहर से अंदर की तरफ घुस करके, ठीक, और तब जा करके वो उससे अपने लिए न्यूट्रिशन या जो कह सकते हैं फूड लेते हैं। तो जब वो किसी होस्ट के सेल में या फिर बॉडी में एंटर करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आनी पड़ती है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस से क्या है आपका कि जिस होस्ट में वो एंटर करते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने जो उनका जीवन है मीन्स जो उनका डीएनए है उसको वो चेंज कर लेते हैं। तो इट मीन्स वो एडेप्ट कर लेते हैं, म्यूटेशन ले आते हैं। तो यहां भी कुछ ना कुछ वो करते होंगे। तो एडेप्टेशन क्या है इंडो पैरासाइट में वो हम लोग देखते हैं, क्या वो उनमें क्या एडेप्टेशन होता है, हुक्स एंड सकर्स, मीन्स क्या कि वो अपने आप को वहां पर रोकने के लिए उनके शरीर में हुक्स के तरह एक फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने एस्केरिस में देखा होगा कि हुक्स में एस से पड़ता है वो हमें हुक की तरह होता है वो, ठीक है। और सकर जिससे वो सक कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, थिक क्यूटिकल। इनके जो क्यूटिकल रहते हैं वो अपने क्यूटिकल को जो चेंज करते हैं वो मीन्स थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो मतलब कि जो होस्ट के अंदर में जो एसिडिक जो आपका एंजाइम्स या फिर जो एसिडिक जो मटेरियल प्रेजेंट है उससे उनको हार्म ना पहुंचे। जैसे कि हमारे बॉडी के स्टोमिक में HCl का प्रेजेंस होता है तो उससे उनको कुछ हार्म ना पड़े, इसलिए क्या करते हैं आपका क्यूटिकल को वो थिक कर लेते हैं, ठीक है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये किसी भी होस्ट के अंदर से जब ये लेते हैं फूड को तो वो ऑलरेडी उनका डाइजेस्टेड फूड लेते हैं। तो इनको क्या बहस है भाई कि क्या किसी को क्या तकलीफ हो रही है, मेरे से नहीं हो रही है, इनको अपने क्या है, इनको कुछ महसूस नहीं होता, इनको जो मिलता है वो कहते हैं सर भाई मुफ्त में जो मिल रहा है वो अपन का है और अपन उसको लेते हैं और अपन लोग उसमें सर्वाइव करते हैं, खुश रहते हैं। और उसके कारण क्या क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत डेवलप है, मीन्स कि बहुत तेजी से फास्ट करते हैं, मीन्स क्या कि आपका रिप्रोड्यूस करते हैं। देख रहे हैं जैसे कि किसी बैक्टीरिया वायरस को कितने फास्टली जो है सो वो मीन्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको कोई बहस नहीं है कि जो क्या होगा, जितना उनका पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है ना, उतना उनको बेनिफिट होगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग इक्टो पैरासाइट। इक्टो मीन्स क्या आपका कि जो बाहर से बॉडी पे कुछ समय के लिए अटैच होकर के चिपक करके फिर वो उनसे जो है सो बेनिफिट लेते हैं। एग्जांपल आपका लीच, लाइस और टिक्स।
ठीक है, इनके ट्रेड पेशन कैसे रहते हैं, ये भी सकर्स हैं, सक करेंगे, ये भी सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, इनके मुंह में कैसा था आपका सकिंग टाइप्स का होता है। जैसे कि आप देखिए कि इक्टोपार्सक में हम लोग ले सकते हैं इसको, किसको, फीमेल एनोफिलस को, ठीक, लेकिन नहीं होता है वो फीमेल एनोफिलस। क्यों क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि भैया मॉस्किटो को हम लोग ले लेंगे ना पैरासाइट में, नहीं होता, मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों नहीं होता है। ठीक है, देखिए फीमेल जो एनोफिलस होती है वो इट इज नॉट एन इक्टोपैरासाइट। क्यों, क्योंकि देखिए उन वो जो अपना फूड है ना वो किसी प्लांट के जो डेड डिकेइंग पार्ट्स है ना वो वहां से ले लेते हैं। तो क्या है ये आपका कि जो भी ये ब्लड को सक करते हैं ना वो ब्लड से क्या करते हैं कि वो कि बेसिकली होस्ट के ब्लड से प्रोटीन को लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनका एग फॉर्मेशन किसके लिए, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, इसलिए क्या है इक्टोपैरासाइट एनोफिलस नहीं होती है फीमेल एनोफिलस। लाइकवाइज मेल एनोफिलस का भी आपका यही सीन है, मेल एनोफिलस क्या है, वो तो एग को थोड़ी ना उनको फॉर्म करना है, बट वो भी केवल अपने बॉडी के लिए प्रोटीन के लिए क्या करते हैं, वो ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका एनिमल का था, अब प्लांट में आते हैं तो क्यूकोस्टा, हाँ जो आपका प्लांट है कस्क्यूटा, जो आपका प्लांट है कस्क्यूटा प्लांट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। कस्क्यूटा प्लांट्स में क्या है कि उसका उनके पास एक डेवलप रूट है, उनका मीन्स कि जो रूट का है वो पेनिट्रेट कर देते हैं होस्ट प्लांट में, क्योंकि रूट वो उनका कस्क्यूटा प्लांट का जो उनमें आपके लीव्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो रूट से वो अपने रूट से क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं दूसरे होस्ट के प्लांट के रूट को, ठीक है, या फिर किसी बॉडी के पार्ट्स को, और उसके जाइलम और फ्लोएम तक रीच कर जाते हैं। जाइलम तक गए तो रीच किया तो मिनरल और वाटर ले लेते हैं वो, अगर फ्लोएम की तरफ से रीच कर गए तो जो प्रोसेस्ड फूड है उनका उनको वो लेकर के और फिर अपना काम वो पूरा चला लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये दो टॉपिक थी इसमें, और हमारे पास अभी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में भी और भी टॉपिक है, हम उसको भी और आगे कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।